गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस द टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? कंसीडर टू पॉइंट ए एंड बी, ए फॉर होडल, बी फॉर पल्वल। एस होडल इज द डिस्प्लेस इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल पोजिशन, और पलवल इज द फाइनल पोजिशन। इट मीन्स इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन, मीन्स होडल एंड पलवल, या इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एच है और एक पी है, ये प्लेस है, पोजिशन है। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली जैसे ये टू पोजिशन है या टू पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी, ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशंस कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में मूव कर रहा है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो क्या है? कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, तीन हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। नेक्स्ट, इन अल्टरनेट डिस्टेंस, डिस्टेंस में अपोजिट होता है, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव और नेवर बी जीरो। डिस्टेंस में ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो डिस्टेंस है कभी ना तो नेगेटिव होगा ना ही जीरो हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीड? स्पीड क्या है? बेसिकली एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम टेकन, या स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। या बाय डेफिनेशंस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है? रेशियो होता है किसका? जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किए किसी ऑब्जेक्ट ने उसका रेशियो अपॉन उसके गिवन टाइम का रेशियो, उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। बेसिकली स्पीड को भी वी से डाउन करते हैं। वी क्या होता है? एक्स अपॉन टी, एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स, टी इज द टाइम टेकन। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमेंबर इन द मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट इज नोटेड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। स्पीड जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो कब होगी स्पीड? जब एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या? जीरो है। स्पीड कैन जीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ द स्पीड, द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड इन एम के सिस्टम और एस आई, इन एस आई सिस्टम यूनिट इज मीटर पर सेकेंड इन एस आई सिस्टम एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजे सिस्टम। स्पीड की जो यूनिट होती है एसआई में क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द सीजे सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज
स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम जीरो एल वन टी माइनस वन, डायमेंशन फाइंड कीजिए। यहाँ से जो डायमेंशन होता है स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है एल में, टैन को टी में, तो स्पीड का जो डायमेंशन बना क्या बना एल वन टी माइनस वन, बट मास इज इंडिपेंडेंट, वी इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होता है एम जीरो एल वन टी माइनस वन, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है एम जीरो एल वन टी माइनस वन। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो स्पीड है कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं सूट करता, उसके कोई भी आइडिया नहीं देता कि ऑब्जेक्ट मोशन में है किस में है, तो उसके बारे में नो इंफॉर्मेशन या नो आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड के बेसिकली पॉइंट क्या है लर्न करने के लिए, स्केलर क्वांटिटी जो होती है यूनिट मीटर पर सेकेंड एसआई सिस्टम्स और सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस सिस्टम, स्पीड जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, डायमेंशन एम जीरो एल वन टी माइनस वन होता है। तो प्लीज नोट डाउन दिस दीज पॉइंटेड इन द नोटबुक्स। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।